हे हेलो ब्यूटीफुल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल. गाइज, लास्ट टाइम आपको याद है मैंने एक मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करा था. उसको लेके मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले, और रिक्वेस्ट ये आई कि दी फिर से आप ठीक इसी तरह मेकअप ट्यूटोरियल लेके आना, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहा हमारे लिए. तो मैंने सोचा क्यों ना अगेन एक ब्यूटीफुल सा सिंपल सा मेकअप लुक आपके साथ शेयर करूं. सो आज मैं ठीक लास्ट टाइम की तरह मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ. तो सबसे पहला स्टेप एज यूजुअल फेस वॉश करना है. देन आपके पास अगर टाइम हो, जल्दी ना हो, तो आप आइस भी अपने फेस पे लगा सकते हो, ताकि आपका लुक जो है वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहे. फिर आपको क्या करना है, सीरम लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है. जैसे कि मैंने डॉक्टर रेड्डीज करके मॉइस्चराइजर है, मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो लगाया. देन सनस्क्रीन लोशन भी आप लगा सकते हो, अगर आपको धूप में दिन में कहीं बाहर जाना हो मेकअप करके तब लगा सकते हो. मैंने आज नहीं लगाया. आफ्टर दैट मैंने प्राइमर लगाया मैक का, फिर स्ट्रोक क्रीम यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन में मिक्स करके. हमेशा से आप देखते आ रहे हो कि मैं बेस बहुत कम लगाती हूँ, ना के बराबर एकदम. अगर ज़्यादा भी होता है तो ब्लेंडर से ब्लेंड कर करके पूरा निकाल देती हूँ. आज वही होने वाला है. ज़्यादा लगा, फिर मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड कर करके पूरा निकाल दिया था. बट फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है जब भी आप प्रोडक्ट लगाते हो, देन ब्लेंडर से ब्लेंड कर करके इवन टोन कर देते हो अपने फेस पे, तो बहुत सही लगता है, पूरा नेचुरल लुक लगता है. आज इसी वीडियो में आपको वो दिखेगा डेमो, जैसे कि आपको नेचुरल स्किन कैसे लगवानी है. प्रोडक्ट लगा के भी आपको सामने वाले को फील कराना है कि मैंने मेकअप किया ही नहीं है, इतना नेचुरल लुक आता है. आप देख सकते हो किस तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ. और ब्लेंडर भी आपको अच्छे क्वालिटी का यूज़ करना है, जो कि मैं रियल टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ आज. मेरे पास वैसे तो बहुत सारे ब्लेंडर्स है, मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पर्सनल फेवरेट है. तो मुझे ब्लेंडर वाला स्टेप यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादा टाइम उसी को देती हूँ. फिर आई शेडो को भी ज़्यादा टाइम देती हूँ, आईज़ को. जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि पूरा लुक हमारे आईज़ पर डिपेंड करता है. फिर मैंने मेकअप को लॉक करने के लिए लूज़ पाउडर यूज़ किया, अगेन मैक का ही. वो भी ना के बराबर ही लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि स्ट्रोक क्रीम ऑलरेडी लगा के रखा है. तो कभी कभी क्या होता है कि मेकअप, अगर हम पाउडर ज़्यादा लगाते हो तो मेकअप जो है वो फटता है. तो पाउडर भी कम क्वांटिटी में लगाना है, और अच्छी तरीके से डैब डैब करके ही लगाना है. देन पाउडर ब्रश की हेल्प से जहाँ पे प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा लगा हो वो निकालने की कोशिश. गाइज, आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी कहा कि नेचुरल लुक दिखता है पूरा, तो पूरा नेचुरल लुक आया है. आप पास से देख सकते हो, बिल्कुल ना के बराबर, जैसे कि मैंने कुछ लगाया ही नहीं है. और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ आईब्रो फिलर किट, जो कि है वेट एंड वाइल्ड का. पूरा टूटा फूटा है, बट फिर भी मैं उसको छोड़ नहीं रही हूँ. स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, मतलब कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट है. तो आप देख सकते हो इसमें वैक्स आता है, एक फेंट ब्राउन कलर आता है, एक डार्क ब्राउन आता है. तो जैसे कि मेरे आईब्रोज़ का भी जेड ब्लैक कलर है, तो मुझे डार्क ही लगाना पड़ता है. लेकिन आपकी एक्स्ट्रा ब्लैक ना हो तो आप मिक्स एंड मैच करके भी लगा सकते हो. मेरा ये फेवरेट क्यों है किट, क्योंकि इसमें वैक्स जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है, और क्वान्टिटी भी अच्छी खासी है इसमें. मैं तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा सेकेंड प्रोडक्ट है. इससे पहले भी मैंने पूरा किट जो है वो ख़त्म कर रखा था. आईब्रोज़ फिल करने से पहले मैंने आईब्रोज़ को पहले तो कॉम किया, फिर उसके बाद वैक्स लगाया ताकि अच्छा शेप आए, देन मैंने फिल करा. और आईब्रो फिल करने के लिए आपको फ्लैट ब्रश ही यूज़ करना है. कभी कभी क्या होता है, हमारे पास फ्लैट ब्रश नहीं होता, तो हम कोई भी ब्रश उठा लेते हैं और फिल करते हैं, तो वो जो शेप हमें चाहिए होता है वो नहीं आता है. आईब्रोज़ फिल करने से हमारा मेकअप लुक जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा लगता है. तो स्किप नहीं करना ये वाला स्टेप, क्योंकि हमारी आईब्रोज़ हमारे फेस का हाईलाइट पॉइंट होती है. सबसे पहले हमारी नज़र आँखों पे जाती है, तो आईब्रोज़ तो दिखनी ही दिखनी है, तो उसको ज़्यादा ध्यान देना है. देन मैंने आई शेडो पैलेट लिया, अगेन मैक का ही, मेरा पर्सनल फेवरेट है. थोड़ा महंगा है, बट लॉन्ग टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो, पैसा वसूल पैलेट है. तो इसमें जो भी शेड्स आते हैं ना गाइस, लॉन्ग टाइम तक स्टे करते हैं हमारे आईज़ पे. और हम एज अ काजल करके भी लगा सकते हो, जो डार्क शेड्स हैं उनकी हेल्प से. मैं तो हमेशा लगाती हूँ ब्राउन, ब्लैक, डार्क ब्राउन, ये कलर्स पिक करके. और आप देख सकते हो मैं फिंगर की हेल्प से ही लगा रही हूँ, क्योंकि ब्रशेस मुझे ढूंढने पड़ते हैं और इतना टाइम मेरे पास नहीं था, तो मैं फिंगर से ही लगा रही हूँ. ब्रश से लगाओ, फिंगर से लगाओ, बट अगर हम ठीक से लगाएं तो भी अच्छा लुक आता है. जैसे कि आपको डेमो में दिख ही रहा है, मैं फिंगर की हेल्प से ही लगा रही हूँ, बट
एट द एंड रिजल्ट इतना ब्यूटीफुल आता है ना कि लगता ही नहीं कि हमने फिंगर से लगाया हो। तो आप जल्दी में हो कभी कभी तो कर सकते हैं ऐसा जुगाड़ कि आप फिंगर को ही ब्रश बना सकते। आई लीड के बीचों बीच मैंने फेंट कलर यूज़ किया। जो भी कलर्स यूज़ कर रही हो आपको दिखा के कर रही हो। फेंट कलर पहले तो आई लीड पर आया, देन क्रीज लाइन पर मैंने डार्क ब्राउन लिया मिडल वाला, और दूसरी साइड से अगेन फिंगर की हेल्प से ही शेडोज लगा रही हूँ अच्छे से ब्लेंड। आप देख सकते हो आईज के कॉर्नर पे डार्क शेड लगा रही हूँ। और जब भी आप आई शेडोज यूज़ करते हो ना तो डार्क शेड्स हमेशा साइड में ही आने चाहिए, कॉर्नर पे क्रीज लाइन पे, बट बीच में आप डार्क नहीं लगा सकते। हाँ, अगर आप स्मोकी आईज क्रिएट कर रहे हो, पहले से आपने काजल को ब्लेंड करके ब्लैक कलर या ग्रे कलर आपने लगाया होगा, तब ही आप डार्क शेड्स यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपको डार्क शेड्स नहीं यूज़ करने। और सिंपल लुक अगर क्रिएट करना हो तो आपको फेंट कलर ही यूज़ करने हैं। देन जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं एज अ काजल करके भी लगाती हूँ, तो मैं आपको अभी दिखा रही। ब्राउन कलर मैंने पिक करा और आई शेडो ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से लगा रही हूँ और ब्लेंड कर करके लगा रही हूँ, ताकि इवन और ना मेरे पास टाइम इतना कम था और मुझे सामान भी ढूंढ ढूंढ कर मेकअप करना पड़ रहा था, तो एक एक अगर सामान नहीं मिला तो फिर से जाती और ढूंढती फिर मेकअप करती, तो इतना टाइम निकल जाता है इन सारे प्रोसेस में। फिर भी मैंने कंप्लीट करा जब तक सनलाइट है, फिर बीच में मेरा सनलाइट चला गया बाद में, बट मैंने ट्राई करा, फिर रिंग लाइट लगाई, देन इस तरीके से ये वाला ट्यूटोरियल जो है वो कंप्लीट हुआ। क्या होता है ना गाइस, वीडियोस देखना फिर कमेंट्स पास करना, जज करना, रिएक्शन देना बहुत इजी होता है। वीडियोस देखना जितना आसान है ना, बिहाइंड द सीन अगर देखा जाए तो इतना डिफ़िकल्ट होता है प्रोसेस। जो बनाता है उसी को पता होता है कि उसने इन सब के लिए कितने एफर्ट्स उठाए होते हैं। कैमरा ऑन ऑफ करना, सेट करना, फिर बार बार प्रोडक्ट्स लेना, ये वो। वीडियो तो रहता है 15-20 मिनट का, बट उसके पीछे के जो एफर्ट्स होते हैं ना उस पर बहुत टाइम लगता है। फिर एडिट करना, फिर बैकग्राउंड से बोलना, बहुत टाइम देना पड़ता है गाइज, इजी नहीं। मैं तो हेटर्स के लिए फिर भी प्यार से मैसेज देना चाहूँगी कि गाइज आप बिना सोचे समझे बेमतलब की मीनिंगलेस बातें करते रहते हो, वो भी इजीली जज करके। तो आप बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो और फिर जज करो सामने वाले को, क्योंकि आप जो भी बोलते हो ना तो सामने वाले ने एफर्ट्स लिए होते हैं उस चीज़ को बनाने के लिए, तो उसको हर्ट भी हो सकता है। और जब भी आप हर्ट करते हो ना तो भगवान देखता है और आपको उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, बट सामने वाले को बैड इफेक्ट कर जाता है। बस यही मैसेज देना। एनीवेज अभी मैं लगा रही हूँ मस्कारा स्टेज का। पहले तो मैं लैशेस लगाने वाली थी, बट मैंने जब मस्कारा अप्लाई करा तो लैशेस नेचुरल लैशेस लॉन्ग लगने लगी, तो मैंने स्किप कर दिए। अभी मैं पॉइंट आउट करके जो दिखा रही हूँ वो है मच्छर। मच्छरों ने मुझे काट रखा है तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेकअप बेस भी कम लगाया हुआ होता है तो वो दिखता है ऐसा। आफ्टर दैट स्टेप आता है ब्लशर का। बेनिफिट का ब्लशर पाउडर ब्लशर है, वो यूज़ कर रही हूँ। और अप्लाई के लिए आप ब्रश देख सकते हो, फ्लावर ब्रश है। इसका भी बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाके बाय कर सकते हो। ये भी अगर आप अप्लाई करो ना तो 12 घंटे तक वैसे के वैसा ही रहता है, जब तक आप फेस पे टच ना करो, हाथ ना लगाओ। और नाक पे लगाया, चिक्स पे लगाया, चिन पे लगाया, आप देख सकते हो। थोड़ा आईज पे भी मैंने ब्रश हल्का सा लगाया था और हल्के हल्के हाथों से लगा रही हूँ। ये मेरा फेवरेट स्टेप है ब्लशर वाला। जब भी मैं कहीं पे बाहर जाती हूँ बिना मेकअप के, मतलब के जैसे कि मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लोशन हम अप्लाई करते हैं डेली बेसिस पे, तो उस पे ये वाला स्टेप कंपलसरी आता है। आप रील वाले वीडियो देखते हो ना, वो वीडियो में आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं हैशटैग भी लगाती हूँ नो फिल्टर नो मेकअप मेकअप लुक। उसमें होता क्या है, बस मॉइस्चराइज़र होता है, सनस्क्रीन लोशन होता है और ये कंपलसरी स्टेप रहता है ब्लशर का, तो मुझे प्राइमर लगाना पड़ता है। और कुछ दिनों से तो मैं काजल भी अवॉइड कर, अगर लिपस्टिक अवॉइड करी तो मैं टिंट लगाती हूँ, बट ब्लशर कंपलसरी रहता है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि मैंने फिल्टर, अक्सर फिल्टरों में क्या होता है कि ब्लशर एक्स्ट्रा लगता है तो फील होता है कि मैंने फिल्टर लगाया, बट नहीं गाइस। कुछ दिनों से ना मैं स्किन केयर भी अच्छे से कर रही हूँ, और जैसे कि मैं ब्लेस्ड हूँ स्किन को लेके, मेरी मम्मी ने मुझे गॉड गिफ्ट दिया है, तो स्किन मेरी है अच्छी, बट ब्लशर लगाते ही और उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो बस यही है मेरे ब्यूटी का राज, ब्लशर। अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करने जा रही हूँ, और लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले लिप्स को अच्छे से क्लीन कर लेना है। और अगर आपके लिप्स ड्राई हों तो मेकअप अप्लाई करने से पहले आपको लिप्स पे
कुछ भी लिप बाम लिप केयर लगा के रखना है, ताकि जब तक मेकअप कंप्लीट होता है तब तक आपके लिप्स मॉइस्चर होते हैं, फिर लिप्स जब भी क्लीन करने जाते हो तो अच्छे से क्लीन भी होते हैं और लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद लुक भी प्यारा आता है। ये जो लिपस्टिक है ना गाइज, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये वाला शेड, क्योंकि आपको पता है कि मैं न्यूड शेड्स ही अप्लाई करती हूँ, मुझे वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं डेली बेसिस पे। तो ये डार्क वाले शेड ना पीछे ही रह जाते हैं, जब भी मुझे कुछ स्पेशल लुक क्रिएट करना होता है तब याद आती है इनकी। तो आज मुझे पिंक शेड अप्लाई करना था, तो आज मैंने ये वाला शेड देखा और मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी ये लिपस्टिक, ये ना मैं डेली भी अप्लाई करने वाली हूँ न्यूड शेड्स के साथ, तो मैंने इसको साइड में ही रखा है। ये वाला लिपस्टिक मैंने तब लिया था जब मैं अपनी बहन के घर रहने गई थी दिल्ली, तो वो गुड़गांव रहती है, वहाँ से मैंने ये ली थी। तो इसका ब्रांड भी मुझे नहीं पता, अगर इसका लिंक मुझे ऑनलाइन मिलता है किसी वेबसाइट पे तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, अगर मिलता है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो अपने लिए। बट इतनी प्यारी लिपस्टिक है ना गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती वर्ड्स में, इसका टेक्स्चर, इसका पिगमेंट, बहुत ज़्यादा प्यारी लिपस्टिक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हाईलाइटर, और मैंने ब्यूटी बोन्स पे भी हाईलाइटर लगाया ताकि हमारा लुक जो है वो और भी ज़्यादा इन्हांस लगे, और जहाँ जहाँ पे हाईलाइट पॉइंट्स है वहाँ वहाँ पे मैंने हाईलाइटर लगाया। हाईलाइटर के लिए मैंने फेस पैलेट यूज़ करा, जिसमें हाईलाइटर, ब्लशर और ब्रॉन्जर आता है, काफ़ी अच्छा किट है वो भी। और बिंदी तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लुक में, बिंदी चाहिए होती है, नोज़ पिन चाहिए होती है, आज दोनों भी यूज़ करूँगी और तब जाके मेरा लुक जो है वो कंप्लीट होगा। और ये खजाने वाली पेटी दूसरी वाली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नोज़ पिन्स होती है अलग अलग टाइप की, तो वो वाली अभी मैं वेयर कर रही हूँ, और आप देख सकते हो लुक ही बदल गया मेरा, पूरा लुक चेंज हो गया जब मैंने बिंदी और नोज़ पिन डाली। आप देख रहे हो मेरा पूरा लुक कितना नेचुरल लग रहा है, और लिपस्टिक भी दिस टाइम मेरे लिप लाइनर डार्क वाला, जैसे कि हमेशा लिप लाइन करती हूँ, तो दिस टाइम मैंने नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक लगाई है। और आई लुक तो पूछो ही मत, इतना ज़्यादा नेचुरल लगा है, जो कि मैंने हालांकि मैंने फिंगर की हेल्प से ही लगाया, ब्रश भी यूज़ नहीं करा, बट फिर भी कितना परफेक्ट लगा है। आज मैं कौन सी ज्वेलरी वेयर करूँ इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, और मैंने अलग अलग टाइप के इयररिंग मैच करके देखे बट सूट नहीं हो रहा था। तो लास्ट में आप मेरा ज्वेलरी कलेक्शन देख रहे हो, इसमें सारे इयररिंग्स है मेरे पास, बहुत सारे इयररिंग्स है, इतने सारे ऑप्शंस है ना कि कभी कभी मुझे ही समझ में नहीं आता मैं एग्जैक्ट वेयर करूँ क्या। तो आज भी वैसा ही हो रहा था। और अगर आपको वीडियो चाहिए होगे ना ज्वेलरी को लेके, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आप मुझे बताओगे तो मुझे समझेगा कि आपको नीड है, तो मैं लेके आऊँगी आपके लिए। और ये हो रही हेल्प एज यूजुअल, हमेशा मुझे हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो खुद से नहीं हो पाते, सो किसी ना किसी की हेल्प लेनी होती है, और मेरे पास तो हेल्प होती होती है मेरे हस्बैंड की, सो वो हमेशा होते हैं मेरे साथ। थैंक यू। जैसे कि अभी मैंने बोला कि मेरे पास इयररिंग्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट फिर भी आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर वेयर करूँ तो क्या वेयर करूँ। तो फाइनली ये सिल्वर कलेक्शन मुझे मिला, हालांकि टाइम पे कभी मुझे मिलता नहीं है, तो आज ये वाली इयररिंग्स मैं वेयर करूँगी। इसमें भी कन्फ्यूजन हो रहा था ये वाला वेयर करूँ या फिर ये वाला, बट मैंने डिसाइड किया लेफ्ट साइड वाला, सो बस वही वेयर करने वाली। बोलते बोलते ये बताना ही भूल गई आपको कि मैं रेडी किस लिए हो रही हूँ, क्या है आखिर। तो आज मेरे दीदी और जीजा जी की मैरिज एनिवर्सरी है और हमें इनवाइट किया गया है, तो इसीलिए मैं इतना खास रेडी हो रही हूँ। खास मतलब कि सिंपल है बट क्यूट लग रहा है लुक, लेकिन मुझे हेयर स्टाइल की हमेशा प्रॉब्लम आती है, और आज भी समझ में नहीं आ रहा था मैं हेयर स्टाइल क्या करूं, और ऑप्शंस भी मेरे पास ज़्यादा नहीं होते। एक तो मैं बन डाल सकती हूँ, नहीं तो ब्रेड कर सकती हूँ, नहीं तो पोनीटेल या फिर खुले बाल रख सकती हूँ। तो मैंने सोचा एक तो हाफ क्लचर लगा लेती हूँ या फिर खुले ही रखती हूँ, तो बस वही करना था। उससे पहले तो मंगलसूत्र जो कि मैचिंग होना था, आजकल मुझे मैचिंग का भूत सब। आहो आहो
मंगळसूत्र लावून द्या ना, मंगळसूत्र. हर दिन जब भी कुछ वेयर करती हूँ मैचिंग ही चाहिए, चाहे वो क्लचर हो, रबर बैंड हो, या फिर फुटवेयर हो, जो भी चीज़ें रहती है मैचिंग चाहिए. बस आज भी वही होने जा रहा है. मंगलसूत्र भी मैचिंग करवाया, मुझे मिला भी. मेरे कलेक्शन में अभी भी बहुत सारे मंगलसूत्र नए आए हैं, जो कि हर दिन अगर मैं मैचिंग मैचिंग कुछ वेयर करूँ तो वो हो जाए. और फिर से हेल्प हस्बैंड, जैसे कि मैंने बोला, कोम कर रही हूँ बालों को और खुले रखूँगी, बाद में हाफ क्लचर लगाऊँगी. और अब साड़ी ठीक करते हुए ये मेरा फाइनल लुक आप देख सकते हो. सिंपल सोबर बट प्यारा सा लुक, और सब मैचिंग है लिपस्टिक से लेके मंगलसूत्र तक, और मंगलसूत्र से लेके फुटवेयर तक, जो कि अभी मैं आपको सैंडल्स दिखाऊँगी, पूरे मैचिंग है मेरे साड़ी पे. और ये रहा मेरा फाइनल लुक, और ये रहे मेरे ब्यूटी शॉट्स.